आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों के द्वारा जो है प्रश्न पूछा गया था कि जो फी है वो कितना लगेगा, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सभी जो ऑफिशियल डाइट कॉलेज हैं जो है सभी अपने साइट पर अपने जो उनका पोर्टल होता है जो उनका डेस्क बोर्ड होता है वहाँ पर जो है वो अपना फी जो है बता रहे हैं कितना लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सभी डाइट कॉलेज का जो भी सरकारी कॉलेज है उनका फीस जो है कितना है इस वर्ष का, वो जो है वही है जो प्रीवियस ईयर था। प्रीवियस दो वर्षों से जो फीस आ रहा है वही फीस इस बार भी है। तो मैं आपको बता दूं कि केवल आपको फर्स्ट ईयर में जो है आपको एडमिशन के समय 11,500 रुपए का जो है फी लगेगा। किनको? जनरल और जो बीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनको जो है 11,500 रुपए लग रहे हैं। और जो पीएच मतलब फिजिकल डिसेबल वाले बच्चे हैं, जो आरक्षण वाले बच्चे हैं और जो एससी वाले बच्चे हैं और जो एसटी वाले बच्चे हैं उनको 7,000 रुपए लग रहा है। मतलब कि जनरल बीसी और आपका ईडब्ल्यूएस उनका जो पेमेंट लग रहा है वो आपका 11,500, और जो बच्चे आपके पीएच वाले हैं एससी वाले हैं एसटी वाले हैं तो उनका पेमेंट जो लग रहा है 7,000 लग रहा है। और यह पेमेंट जो है आपको क्या करना है कि ड्राफ्ट में देना है। एक ड्राफ्ट बनता है जो कि आपको कॉलेज का मतलब उनका बैंक अकाउंट से ही बैंक से बनता है, बैंक से बन सकता है, तो ड्राफ्ट से भी दिया गया है। यहाँ पर सभी तो ड्राफ्ट ही लिखे हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार जिस कॉलेज में आपका नामांकन होने वाला है, जहाँ पर आपको आवंटित हुआ है, वहाँ पर आप लोग बात कर ले, उनके साइट पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया होता है, वहाँ पर बात करें कि क्या ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दूं कि दोनों ऑप्शन रहता है लेकिन यहाँ पर इन्होंने ड्राफ्ट लिखा है, तो आप ड्राफ्ट बनवा सकते हैं बैंक से, एक दिन में बन जाता है, नहीं तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके उसका स्लिप निकाल कर जमा कर सकते हैं। रही बात क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो जिन कॉलेज में आपका आवंटन हुआ है वो सभी कॉलेज जो है अपनी साइट पर धीरे धीरे वो सारे पोर्टल को अपलोड करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अभी हम कुछ समय बाद जो है आपको डायट सिवान के जो कॉलेज है उनका जो है पोर्टल का दिखाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। ऐसे जो फी स्ट्रक्चर की बात है वह जनरल बीसी और ईडब्ल्यूएस का उनका 11,500 लग रहा है, और जो पीएच एससी और एसटी स्टूडेंट है उनका जो है 7,000 रुपया लग रहा है। प्राइवेट की बात कर ले तो उनका फर्स्ट में एडमिशन के समय उनसे 80,000 रुपया मांगा जा रहा है और पूरा 1.5 लाख रुपया मांगा जाना है। इसके ऊपर जो आप सभी लोगों से निवेदन है कि बोर्ड को इतना मेल करे कि कुछ ना कुछ कार्रवाई हो और जो भी प्राइवेट कॉलेज है उनका फी स्ट्रक्चर कम करने की मांग की जाए। मैं भी लगा हूँ आप सभी लोगों के, इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रक्रिया में क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने कॉलेज में संपर्क करें, बात करें, सारी प्रक्रिया को समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।